भगवान यहाँ पर एक सिद्धांत बता रहे हैं और ये श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कवर कर रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझना ही जीवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे पहली पंक्ति में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबसे पहली पंक्ति क्या है, द सेटिंग ऑफ द सन, सूर्यास्त। तो इस धरातल पे सबसे पावरफुल चीज क्या है जो कि हमें नजर आ रही है, सूर्य। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सूर्य भी अस्त हो जाता है, तो फिर हमारी हमारी कहाँ स्टैंडिंग है? अगर सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है तो फिर हम कहाँ हैं? हम तो कहीं नहीं। और पूरा जीवन हम एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन कभी अस्त ना हो। इसलिए ये सिद्धांत भागवतम में स्पष्ट किया जा रहा है यहाँ पर। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हालांकि सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है, पर यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया, कि भगवान इस धरातल पे हैं या भगवान अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं। तो इसका यह अर्थ नहीं, इसका क्या अर्थ नहीं, इससे क्या पता चलता है भगवान इस धरातल से क्यों चले जाते हैं? भगवान यहां पर अपने भक्तों के लिए हमेशा क्यों नहीं रहते? प्रश्न ये है कि जब भगवान धरती पर आ ही गए तो फिर भगवान अपने भक्तों को छोड़कर क्यों जाते हैं? क्यों जा रहे हैं हम? अच्छा, तो भगवान नाराज होकर चले गए। और ठीक है, ये तो है, ये भी एक रीजन है। ठीक है, एक स्टूडेंट को तो ऐसे ही सोचना चाहिए, पर मतलब भगवान तो कृपालु है ना, मतलब भगवान तो मर्सीफुल इनकार्नेशन है, भगवान तो अपनी कृपा देने के लिए ही आए हैं और फिर हमें छोड़ के चले गए। तो क्यों भगवान अपने भक्तों को छोड़ के चले जाते हैं? तो बहुत सिंपल है, आंसर यही है, द सेटिंग ऑफ द सन डज नॉट मीन द एंड ऑफ द सन। कि भगवान यहां पर आते हैं हमें आकर्षित करने के लिए और एक एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए। कि श्रील प्रभुपाद ने बोला था, क्या बोला इस फेमस सेंटेंस है श्रील प्रभुपाद का, दिस प्लेस इज नॉट अ प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। एक सभ्य व्यक्ति के लिए यह स्थान नहीं है, आप ढूंढ लीजिए यहां पर। यहां पर हम जितना मर्जी सुंदर घर बना लें, नहीं, जितने मर्जी हम संबंध बना लें, जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, पर अल्टीमेटली जब मनुष्य की उम्र होती है तो उसे समझ में आता है कि यहां कुछ नहीं रखा। तो भगवान ने ये प्लान ही ऐसे बनाया है कि देखो, तुम यहां जितना मर्जी प्रयास कर लो, पर ये जगह तुम्हारे लिए। अब पूरा जीवन हमें वो समझने में लग जाता है, उल्टा पूरा जीवन हम प्रयास करते हैं कि एक सुंदर सा घर बन जाए और उसमें मैं बच्चों को सेटल कर दूं और मैं फिर भी निकलने की इच्छा नहीं होती। यहां यही बता रहे हैं कि द सेटिंग ऑफ द सन डज नॉट मीन द एंड ऑफ द सन। कि भगवान यहां पर एक मैसेज देने के लिए आए, भगवान यहां पर हमें इस संसार से बाहर निकालने के लिए आते हैं कि ये संसार ठीक है। जैसे बच्चे का भी अपना घर होता है, बच्चों का भी खिलौनों का अपना घर नहीं होता, या बच्चा समुद्र के किनारे अपना मिट्टी का घर बनाता है, बहुत सुंदर बनाएगा, बहुत अच्छा किला बनाएगा, माता पिता क्या कहेंगे, चलो अब चलने का समय आगे। बच्चा कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर क्या होगा? तो ये सिंपल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सूर्य भी अस्त होता है, ये दिखाने के लिए कि, पर सूर्य मतलब सूर्य अस्त वास्तव में हुआ नहीं, वो तो हमारी नजर से, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, इट मीन्स दैट द सन इज आउट ऑफ आवर साइट,
कि बस हमारी नजर से वो अभी अप्रकट हो गए, पर ऐसा नहीं कि भगवान है नहीं। जो कि नास्तिक लोग बोलते हैं ना कि कहां है भगवान तुम्हारे, दिखाओ। ये आंसर है उनके लिए कि भगवान तो है, पर भगवान अपने मैसेज के रूप में है। और बल्कि भगवान जहां पर इस संसार में हमें बसाने के लिए नहीं आए थे, जो हम पूरा जीवन भगवान से मांगते रहते हैं। तो ये है सिमिलरली द एंड ऑफ द मिशन ऑफ द लॉर्ड ऑन ए पर्टिकुलर प्लैनेट और यूनिवर्स ओनली मीन्स दैट ही इज आउट ऑफ आवर साइट। और इसलिए श्रील प्रभुपाद तुरंत ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं, द एंड ऑफ द मिशन ऑफ द लॉर्ड, द एंड ऑफ द मिशन ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान के यहां पर आने का मिशन था। भगवान यहां पर कुछ ऐसे सिर्फ अपना, मतलब वो तो चलो अपने आप में अपनी पास्ट टाइम्स को एंजॉय करते ही हैं, पर साइमल्टेनियसली साथ के साथ भगवान के यहां पर आने का मिशन है। या जैसे माता पिता बच्चे को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो ठीक है वहां घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे लिखा रहे हैं, पर उस सब के पीछे एक मिशन है कि बच्चा कुछ बनना चाहिए, या बच्चे कुछ बनने का मतलब है कि उसकी कुछ एक समझ होनी चाहिए कि वो जीवन को कैसे जीना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि द एंड ऑफ द यदु डायनेस्टी ऑल्सो डज नॉट मीन दैट इट इज एनिहिलेटेड। इसलिए ये प्रश्न आता है ना कि भगवान ने मतलब पूरा वंश ही खत्म कर दिया, यदुवंश ही खत्म कर दिया, क्योंकि मैसेज इंपॉर्टेंट था। हम व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, हम सोचते हैं व्यक्ति चला गया अब हमारा क्या होगा। नहीं, मैसेज तो कहीं नहीं गया, मैसेज तो कहीं नहीं गया, बस वो हमारी नजर से, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी नजर से अभी ओझल हो गया है ना। जैसे सुबह होती है और कई बार बादल आ जाते हैं, तो सूरज तो चमक ही रहा है, पर हमारी नजरों के आंखें बादल आ गए ये। और वो बादलों को हटाने के लिए, या वो जो जो कंफ्यूजन है हमारे हमारे विचारों में, जो जो कंफ्यूजन है उसको हटाने के लिए एक्चुअली शास्त्र दिए गए। शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट चीज की यहां पर बिल्कुल इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रथा प्रथा अपि अनुश्रुत्य। यहां पर कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने, धनंजय ने कुंती को बताया कि भगवान अपने धरा धाम वापस चले गए, तो इमीडिएटली रिएक्शन क्या होना चाहिए? इमीडिएटली, वैसे तो संसार में अगर कोई किसी का कोई अपना सबसे प्रिय कोई चला जाए तो वो रोने लग जाता है ना। बट वो रो क्यों रहा है, वो क्यों रो रहा है? हाँ, लगाव था, यानी कि एक्चुअली अपने बारे में सोचकर होगा, मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोचकर नहीं ना, अपने बारे में सोचकर रो रहा है, क्योंकि क्योंकि उसे लगाव खिलौनों से भी है, और जो खिलौने दे रहा था उससे भी था, और खिलौने देने वाला चला गया और खिलौने छोड़ने नहीं है अभी, तो रोना आ रहा है। पर यहां पर क्या है, जैसे ही मैसेज मिला कि भगवान अपने धाम चले गए, तो क्या है, प्रथा अपि अनुश्रुत्य। प्रथा यानी कि कुंती ने भी अनुश्रुत्य इस प्रकार सुनकर, मतलब जो भागवतम चल रही है, भागवतम का मैसेज सुन, अनुश्रुत्य सिर्फ सुना नहीं, इस प्रकार सुनकर कि भगवान यहां धरा यहां इस धरातल पे क्यों आते हैं, प्रथा अपि अनुश्रुत्य धनंजय के द्वारा उदितम कहा गया नाशम, कि भगवान ने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी, याशम नदु नाम यदुवंशियों का नाश, भगवत गतिम, और क्या लिखा है यहां पर, भगवत गतिम, कि भगवान चले गए। ये नहीं लिखा कि भगवान मर गए, और सबसे भगवत गतिम, कि भगवान अपने गति से आगे चले गए। तो भगवान जहां चले गए, तो जिसको अगर लगाव होगा तो वो कहां जाएगा,
उसके उनके पीछे पीछे जाएगा, तो उसको दुख नहीं होगा। इसलिए पहले सती प्रथा थी, क्योंकि पत्नी पति से इतना अटैच थी कि उसको पति के पीछे पीछे जाने में कोई दुख नहीं था, वो धर्म था। आजकल हमारा अभी जो समय है वो समय क्या है कि हमें अपने से इतना लगाव, अपनी चीजों से इतना लगाव है कि चाहे कोई चला गया उसके बाद हमारा जीवन चलता रहता है। पर यहां पर कुंती महारानी, कुंती ने प्रथा अपि अनुश्रुत्य धनंजय उदितम नाशम यदुनाम भगवत गतिम, भगवत गतिम, भगवत गतिम चताम। और क्या कह रहे हैं कि एकांत भक्त्या, ये इस प्रकार जब भगवान और जदुवंशी अपने धाम वापस चले गए तो क्या किया कुंती ने, एकांत भक्त्या, तो उन्होंने इस संसार का विचार छोड़ दिया, उन्होंने संसार का कुछ भी विचार छोड़ दिया। एकांत भक्त्या भगवती अधोक्षते, बिल्कुल सिंपल मैसेज है। अगर हमें किसी से लगाव है और वो चला जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लेंगे और क्या करेंगे, मतलब जलने के लिए नहीं बोला जा रहा मतलब, पर ये जरूर है हाँ, एकांत भक्त्या भगवती अधोक्षते, उस उन भगवान की उन्होंने एकांत भक्ति, पहले भी वैसे उनका जीवन एकांत भक्ति था पर यहाँ पर मैसेज को और क्लियर किया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं, निवेशित आत्मा, कि अपनी निवेश इन्वेस्ट किया, अपनी आत्मा को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया, निवेशित आत्मा पूर्ण मनोयोग से उपराम, उपराराम, और क्या हो गया कि वो मुक्त हो गई संस्मृते, इस भौतिक संसार से। सिंपल सिंपल टेक्निक। शिला प्रभुपाद यही लिख रहे हैं तात्पर्य में, एज महाराज युधिष्ठिर डिसाइडेड टू प्रिपेयर टू गो बैक टू गॉडहेड। तो हमने ये भी देखा ना कि इस प्रकार जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता और जब भगवान भी अपने धरातल धाम पे चले गए, तब धीरे धीरे पांडव भी फिर राज अपने राजपाट को छोड़कर वो भी संन्यास की तरफ चले गए। तो उनके लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर था। और यहां पर लिख रहे हैं कि सो ऑल्सो कुंती डिसाइडेड, जिस प्रकार पांडवों ने संन्यास लिया उसी प्रकार कुंती महारानी ने भी, कुंती महारानी ने भी, दस शी फुली एंगेज्ड हरसेल्फ इन द ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, और वो इस प्रकार भगवान की एकांत भक्ति में लग गई, विच गारंटीज वन अ पासपोर्ट फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड। और ये एक जीवात्मा का पासपोर्ट है, ये इच्छा लेकर आना कि इस संसार में, इस संसार की कोई चीज मेरे काम नहीं आएगी, ये इच्छा लाना हमारे लिए पासपोर्ट है भगवान के धाम जाने के लिए। द बिगनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, और ऐसी चेतना या ऐसी इच्छा, द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलाइजिंग द प्रेजेंट बॉडी। और ये चेतना से, ये इच्छा से हमारा मन, हमारी इच्छाएं शुद्ध होने लग जाएंगी। अगर मन में ये इच्छा रहेगी कि संसार की कोई चीज मेरे काम नहीं आएगी, तो यानी कि हम शुद्ध होना शुरू हो रहे हैं। ये शुरुआत है, क्योंकि ये एंड नहीं है, क्योंकि इच्छाएं लाने के बाद फिर हमें कुछ एक्टिविटीज भी करनी है ना, कुछ क्रियाएं भी करनी होंगी भगवान को दिखाने के लिए कि हम आपको चाहते हैं। जैसे कोई चला जाता है तो फिर
हम उसके स्मरण में पीछे से हम कुछ ना कुछ करते हैं ना, मतलब जैसे बच्चा अगर फॉरेन चला जाए तो आप उसे फोन करेंगे, पता चला मन में सोच के बैठे हैं कि बच्चा चला गया, तो आप फोन करके बोलेंगे भी तो सही, भाई सही 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 सलामत आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कुछ खाया कि नहीं खाया। तो कुछ एक्टिविटीज भी चाहिए दिखाने के लिए कि हाँ भगवान हम आपको चाहते हैं। वो एक्टिविटीज क्या है? वो डिवोशनल एक्टिविटीज, कि हम सुबह सुबह उठकर आ रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। और भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसमें भी एक पॉइंट है कि चलो ये कहा गया शास्त्रों में कि सुबह सुबह भगवान को भोग लगाना चाहिए। अब इतनी ठंड हो रही है तो अब पता चला ठंड में भगवान के लिए क्या ले, बोला आप ठंडा पानी नहीं दे सकते ना भगवान को। पॉइंट ये है, अब आप घर पे जाकर आप हर्बल टी लेंगे ना, कुछ लेंगे ना, तो भगवान के लिए भी कुछ गर्म चीज होनी चाहिए। आप सुबह सुबह घर में आकर कोई ठंडी चीज थोड़ी खाएंगे। तो भगवान ने ये इंद्रियां दी हैं ये समझने के लिए कि भगवान की क्या इच्छा हो रही हो। जैसे हमारी अलग अलग सीजन्स में अलग अलग समय पे अलग अलग इच्छाएं होती हैं, वैसे भगवान की भी अलग अलग, भगवान की भी सेंसेस है। और बच्चे को संतुष्ट करना माँ जानती है। इसी तरह जीवात्मा को आना चाहिए कि भगवान को संतुष्ट कैसे किया जाता है। तो वो ये सारी एक्टिविटीज इस स्टेज के बाद आएंगी। कब आएंगी? जब संसार में विचार नहीं हुए हैं, तब तो फिर भगवान के बारे में स्मरण आएगा ना। तो ये है, और इसलिए प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ मिथ। और इसलिए भगवान का धाम, कि भगवान चले गए, कहाँ गए, कहाँ चले गए, कहीं तो द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ मिथ एज इट इज थॉट बाय अनबिलीवर्स और इग्नोरेंट पीपल, बट वन कैनॉट रीच देयर बाय एनी मेटेरियल मीन्स। भगवान के धाम जाने के लिए आप कोई अलग से कोई स्पेसशिप नहीं बना सकते, वहां पर जाने के लिए भक्ति ही एक मार्ग है। बट वन कैन सर्टेनली रीच देयर आफ्टर लिविंग दिस प्रेजेंट बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भगवान के अगर धाम जाना है तो अगर किसी से लगाव है और उसके घर जाना है तो क्या लिख रहे हैं रूपा? लिख रहे हैं बट वन कैन सर्टेनली रीच देयर। ठीक है आप जा सकते हो, भगवान के धाम जाना है किसी को, किसको जाना है? नहीं डाउट है, बट वन कैन सर्टेनली रीच देयर। प्रभुपाद बिल्कुल स्पेसिफिक है, बट वन कैन सर्टेनली रीच देयर आफ्टर लिविंग दिस प्रेजेंट बॉडी। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मतलब मृत्यु के समय रोना नहीं आना चाहिए उससे। इतना इतना तो हम कर ही सकते हैं। जब मृत्यु आई गई, वैसे तो हम नहीं चाहेंगे कोई कि मृत्यु हो जाए हमारी, ये अल्टीमेटली तो हम संसार में रहना चाहते ही हैं, वो तो स्पष्ट है। पर जब मृत्यु आ ही जाए तब नहीं रोना है ना। इसलिए जब वृत्रासुर के सामने वृत्रासुर के सामने मृत्यु ही खड़ी थी, इंद्रदेव वज्र लेकर खड़े थे ना, जिससे वृत्रासुर की मृत्यु ही होनी थी। तो वृत्रासुर क्या कह रहे हैं कि जल्दी से मेरा वध कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि जल्दी से आप मेरा वध कर दीजिए, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है और मुझे पता है कि इसके बाद मैं भगवान के धाम जाऊंगा। और इससे भी एक स्टेज ऊपर है, प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे अब कि मुझे अब मृत्यु से डर नहीं लगता। क्यों? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने भगवान का मिशन समझ लिया।
क्योंकि मैं भगवान का काम समझ लिया। अब मैं जब तक यहां पर हूं मैं भगवान का काम करूं। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भगवान का मैसेज दे रहे हैं ना, उन्हें वो कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में जीना सीख लिया। अगर जीना है तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस तरह हमें जीना चाहिए कि भगवान का गुणगान हो। एक्चुअली प्रभुपाद अपने स्मॉल बुक्स में वही लिख रहे हैं टीचिंग्स टू प्रहलाद महाराज में कि भगवान का गुणगान करना सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। अपने जीवन से भगवान का गुणगान, बस इतना सीखना है और कुछ नहीं सीखना। हर हर परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, हर परिस्थिति में भगवान का गुणगान अगर हम करते रहे वो जीवन की पराकाष्ठा। ये मैसेज श्रीमद् भागवतम हमें दे रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की एक लास्ट सेंटेंस और है कि दिस गारंटीज अ पासपोर्ट फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड। श्री प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हैं, एंड कुंती अडॉप्टेड इट। कुंती महारानी ने ये मार्ग चूज किया। इसलिए जीवात्मा को ये मार्ग खुद चूज करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, आराम से घर में बैठ सकते हैं। नहीं तो जो जो मार्ग हम चूज करेंगे बस उस मार्ग पे हम पहुंचेंगे भी आगे। मार्ग दिए हुए शास्त्रों में, मार्ग दिए हुए कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।